चलो 4.3 में का हमारा 7 पॉइंट एक्सरसाइज मैंने 7.2। चलो चैप्टर कौन सा है एक बार टाइप कर दो ना, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, व्हिच चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न, हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है हमने, ये तो है कि नहीं किसी को याद, चैप्टर का नाम तो याद हो कम से कम, नहीं है किसी को याद, क्या करे भैया। चलो जब तक तुम नहीं बोलेंगे तब तक क्या कर सकता हूं मैं, यस प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6, 7.1 में क्या बोलूं। अरे कोई बोल रहा नहीं क्या, लीनियर प्रोग्रामिंग ध्यान में रखो, व्हिच चैप्टर आई एम गोइंग टू स्टार्ट, लीनियर प्रोग्रामिंग ये चैप्टर हमने एक्चुअली स्टार्ट किया है, लीनियर प्रोग्रामिंग। ओके साक्षी, हाँ सभी बच्चे टाइप करें तो थोड़ा बहुत टीचर को पढ़ाने को भी एनर्जी होना ना, जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक हम क्या पढ़ाएंगे, लीनियर प्रोग्राम। चलो अब ये प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करना है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6। अब इसे किस तरह से सॉल्व करना है देखो, सबसे पहले मैं ऐसा लिखूंगा x प्लस 2y इक्वल टू 6 इक्वल, यहां पर कितना है बच्चों 6 है, तो मैं इस इक्वेशन को 6 से डिवाइड करूंगा, आई विल डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 6, मैं किससे डिवाइड करूंगा इसे 6 से, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 6, 6 से डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा कि x बाय 6 प्लस 2y बाय 6, 6 अपॉन 6 दिस विल बी द x अपॉन 6 y अपॉन 3, 2 से डिवाइड 6 अपॉन 6 इज 1। तो ये जो लाइन है इस लाइन पर मुझे दो पॉइंट्स मिले हैं बच्चों, एक पॉइंट मिला है ये 6 और एक क्या मिला है 3, तो इसे मैं बोलूंगा ये पॉइंट 6,0 क्योंकि ये x एक्सिस पे रहेगा और ये पॉइंट रहेगा y एक्सिस पे 0,3। सुनो बच्चों जो x के नीचे का नंबर आएगा दैट पॉइंट लाइज ऑन द x एक्सिस और ये पॉइंट कहां पर होगा y एक्सिस पे। तो देखो अब मैं ग्राफ बना लेता हूं, अब x पर 6 कहां पर आएगा, यहां कहीं तो भी 6 होगा 6 और यहां y पर क्या होगा 3, इन दो पॉइंट्स को जोड़ो, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे ये, इस पॉइंट को बोलेंगे d, तो किसका इक्वेशन हुआ x प्लस 2y इक्वल टू 6। ये लाइन मैंने कैसे ड्रॉ किया इतना समझ में आया क्या, बोलो एक बार, ये लाइन मैंने जिस तरह से ड्रॉ किया है ये समझ में आया क्या, किस तरह से ड्रॉ किया, यस ओके। चलो आप देखो ये इस लाइन के वजह से दो पार्ट मिलेंगे, एक लाइन के ऊपर का पार्ट उसे h1 बोलूंगा और लाइन के नीचे का पार्ट उसे क्या बोलूंगा h2, h1 और h2। तो अब हमें देखना है कि ग्राफ ऊपर का पार्ट है या नीचे का पार्ट है, एक बात ध्यान में रखना हम ग्राफ निकाल रहे हैं इनइक्वालिटी का, अगर ग्राफ इनइक्वालिटी का है तो इसका मतलब होता है एक तो ग्राफ इस लाइन के नीचे है या ग्राफ इस लाइन के ऊपर है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि लाइन के ऊपर ग्राफ है या नीचे ग्राफ है, तो हम क्या करेंगे यहां पर कहीं तो भी इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लेंगे, यहां पर ये पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट क्या है बच्चों सी, तो इसके कोऑर्डिनेट हमने माने हैं 0,4, यहाँ पे 4 होगा तो सी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 0,4। आप बच्चों मुझे बोलो ये जो सी पॉइंट है इस लाइन के ऊपर है क्या नीचे, ये वाले लाइन के ऊपर पॉइंट है क्या नीचे पॉइंट है सी पॉइंट, इतना बोलो मुझे, ऊपर है अपर साइड में राइट, एक बात तो पक्का हो गया ना अपर साइड में है। चलो ओके,
तो हम क्या करेंगे, ये लेंगे x plus 2y, x plus 2y, इसमें ये पॉइंट रखेंगे, इसमें x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू कितना है 4, 0 plus 2, y की जगह पर 4, कितना है आंसर 8, तो इसका आंसर कितना है बच्चों 8 और ये कितना है 6, देखो मैंने इसमें कौन सा पॉइंट रखा है यहाँ का 0 comma 4 ये पॉइंट रखा, तो उसका आंसर कितना है बच्चों 8 और ये 6। अब तुम मुझे बच्चों बोलो 8 बड़ा है क्या 6 बड़ा है, बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा है मैंने, इसके बाद मेन 8 बड़ा है राइट, वेरी गुड। अब देखो बच्चों ये इनइक्वालिटी और ये इनइक्वालिटी सेम है क्या, दिस इनइक्वालिटी एंड दिस इनइक्वालिटी आर द सेम, नो ये दोनों साइन सेम नहीं है राइट, तो इसका मतलब क्या होता है सुनो बच्चों, ये जो है पॉइंट सी, ये सी पॉइंट ग्राफ में नहीं आएगा, सी डज नॉट लाई ऑन ग्राफ, ये जो पॉइंट है भाई सी पॉइंट ये ग्राफ पर नहीं होगा, तो ये पॉइंट अगर ग्राफ पर नहीं है तो ये ऊपर का रीजन नहीं ड्रॉ करना, नीचे का रीजन ले, आई हैव टेक दैट, सो दिस इज माय ग्राफ। आपको पहला प्रॉब्लम नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, ऐसे दो तीन प्रॉब्लम से कौन सा तो भी आपको क्लिक हो जाएगा, ठीक है चिंता करने की जरूरत नहीं है, दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सर। 2x minus 5y, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x minus 5y greater than equal to 10, greater than equal to 10, इसे सॉल्व करना है ग्राफिकली, इसका ग्राफ निकालना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो, सॉल्व दिस पार्ट, तो सबसे पहले मैं से लिखूंगा 2x minus 5y is equal to 10, 2x minus 5y is equal to 10, अब देखो यहां पर कितना है बच्चों 10 है, तो मैं दोनों साइड्स को किससे डिवाइड करूंगा बोलो, बाय व्हिच नंबर आई विल डिवाइड बोथ द साइड्स, दोनों ही साइड को मैं कौन से नंबर से डिवाइड करूंगा 10, राइट किससे डिवाइड करेंगे 10 से, तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 10, तो ये आएगा 2x अपॉन 10 माइनस 5y अपॉन 10, 10 अपॉन 10, तो ये आएगा x अपॉन 5 माइनस y अपॉन 2 1, तो इसे मैं इस तरह से लिख लेता हूँ x प्लस 5 y अपॉन माइनस 2 1, तो मुझे ये पॉइंट कौन से एक्सिस पर होगा x और ये पॉइंट कौन से एक्सिस पर होगा y, तो ये क्या आएगा 5, 0, b पॉइंट क्या आएगा 0, -2। अब इसका ग्राफ निकालेंगे बच्चों, वेरी इजीली ग्राफ निकालूंगा मैं, ये है x y एक्सिस, ये है x एक्सिस, अब देखो x पर 5 यहां पर होगा कहीं तो पर भी 5 होगा, y पर कितना चाहिए मुझे माइनस 2 चाहिए, y पर कितना चाहिए माइनस 2, तो y पर माइनस 2 यहां पर आएगा, तो इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूं, देखो x पर क्या है, ये x पर पॉइंट लेना है, ये y पर पॉइंट लेना है, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, और इस लाइन का इक्वेशन जो है वो लिख देंगे 2x minus 5y equal to 10। अब देखो बच्चों इस लाइन के वजह से दो पार्ट हो गए हैं, एक लाइन के ऊपर का पार्ट इसे मैं बोलूंगा h1 और लाइन के नीचे का पार्ट इसे बोलूंगा h2,
अब जो इनइक्वालिटी का ग्राफ होता है, एक तो लाइन का ऊपर का पार्ट ग्राफ होता है या नीचे का ग्राफ होता है, दोनों में से एक ग्राफ होता है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर एक में कौन सा तो पॉइंट ले लूंगा, यहां पर ले लूंगा समझो पॉइंट। अब फाइव के पहले यहां पर कौन सा पॉइंट आ सकता है, 4, 0 कंसीडर करना, कौन सा ही पॉइंट यहां पर क्या आएगा, 4, 0। तो मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया सी 4, 0। अब ये 4, 0 ये पॉइंट ऊपर है लाइन के क्या नीचे है, 4, 0 ये पॉइंट लाइन के ऊपर है क्या नीचे है, कहां पर है बोलो भाई, ऊपर है क्या नीचे, ऊपर ऊपर राइट। चलो ये बात ध्यान में रखना, तो मैं क्या करूंगा, ये इनइक्वालिटी इतनी लूंगा 2x - 5, 2x के जगह पर 4 - 5, y के जगह पर 0, तो कितना आया आंसर बच्चों 8। ये हो गया 8 और ये हो गया 10। अब मेरा सवाल बच्चों आपसे है, 8 बड़ा है क्या 10 बड़ा है, विच नंबर इज द ग्रेटर नंबर, 8 और इधर 10, 8 बड़ा है कि 10, 10 बड़ा है, वेरी गुड। चलो अब तुम बोले इतने छोटे छोटे सवाल क्यों पूछ रहे हो, ऐसा कोई उसका रीजन नहीं है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, आप सुनो। तो आप यहां पर देखो, यहां पर ये इनइक्वालिटी है और यहां पर ये इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी सेम है क्या, ये दोनों इनइक्वालिटी सेम है, नो इनइक्वालिटी सेम नहीं है, ये बात बहुत जरूरी है। तो इनइक्वालिटी सेम नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है, सी 4, 0 डज नॉट लाई ऑन ग्राफ, ये पॉइंट ग्राफ पर नहीं है, तो ये पॉइंट लाइन के ऊपर है, तो ऊपर का पार्ट हमारा ग्राफ नहीं है, नीचे का पार्ट हमारा ग्राफ है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड पार्ट। ओके, आई बात समझ में बच्चों, कौन सा पार्ट हमारा ग्राफ है और कौन सा नहीं है। यस आदित्य नामदेव कल्याणी, यस थोड़ा सा एक और थोड़े बहुत क्वेश्चन अच्छे हैं उसे मैं डिस्कस करता हूं। इक्वल टू जीरो का केस है, थ्री एक्स प्लस 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, इसका ग्राफ निकालना है। तो देखो अब इसका ग्राफ कैसे निकालूंगा, 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। चलो दोनों ये साइड को मैं किस पॉइंट से डिवाइड करूं, किससे डिवाइड करूं दोनों साइड को बोलो, कैन आई डू बाय विच नंबर शुड आई डिवाइड द बोथ द साइड्स, पहले के इक्वेशन में 10 था तो 10 से डिवाइड कर दिया था, 6 था तो 6 से डिवाइड कर दिया था, अब मैं यहां पर कौन से नंबर से डिवाइड करूंगा बोलो जल्दी, बाय विच नंबर आई विल डिवाइड टू द बोथ द साइड्स। अरे क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो आदित्य, बोलो अर्जुन, बाय विच नंबर आई विल डिवाइड बाय द बोथ द साइड्स। अरे 5 से क्यों डिवाइड करेंगे, 5 कहाँ है काजल, सुनो भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, अगर यहां पर 5 रहता तो मैं 5 से डिवाइड कर, नहीं योगेश देखो यहां पर मैं कौन से भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकता राइट। अरे अक्षय 0 से डिवाइड करना मना है, मैथमेटिक्स में कुछ भी कर लेना लेकिन 0 से डिवाइड नहीं करना, मैथमेटिक्स में एक ऑपरेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता बाय डिवाइड बाय दी 0। तो सुनो ये जो लाइन है ओरिजिन में से पास होती है, ऐसा अगर 0 यहां पर आया तो हम लिखेंगे दिस
Line is passing through the origin. ये लाइन किसमें से पास होती है? ओरिजिन में से. ये बात ध्यान में आई क्या नहीं सभी की? यहां पे सिर्फ x का टर्म और y का टर्म है, तो ये लाइन किससे पास होगी? ओरिजिन में से पास होगी. ओके, तो ये पॉइंट मिल गया हमें 0, 0. आई गेट द 1.0, 0. अब मुझे दूसरा पॉइंट निकालना है, तो वेरी सिंपल. मैं जैसे टेंथ में सॉल्व करता था, 2y is equal to minus 3x लिखेंगे, y is equal to minus 3/2x. चलो x की वैल्यू मैं कुछ भी पुट कर लेता हूँ, x की वैल्यू हमने 2 पुट किया, तो y कितना है? x से यहाँ पे 2 रखा मैंने, दिल से रखना है, 2 टू कैंसिल, तो minus 3, तो ये पॉइंट मिला मुझे 2, -3. ये पॉइंट क्या मिला मुझे? 2, -3. अब देखो ये x एक्सिस और ये है y एक्सिस. 0, 0 यहाँ पर पॉइंट आएगा. 0, 0 तो ओरिजिन पे आता है, कोई बड़ी बात नहीं. अब 2, -3 ये पॉइंट कहाँ पर आएगा? बोलो बोलो, ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आता है? 2, -3 ये पॉइंट हुई कौन से क्वाड्रेंट में आता है? दिस पॉइंट लाइज इन विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट, राइट. तो यहाँ पर कहीं तो भी 2 होगा, यहाँ पर कहीं तो भी 3 होगा, ये पॉइंट मिला. तो ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड लाइन. एक तो पार्ट गया. अब देखो इस लाइन की वजह से दो पार्ट मिले हैं मुझे. एक लाइन के ऊपर का पार्ट उसे बोलेंगे H1, इसके नीचे का पार्ट H2. अब H1 पे का कौन सा तो भी एक पॉइंट ले लेंगे हम. समझो यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर कौन सा पॉइंट मान लेते हैं C. तो समझो ये पॉइंट क्या हो सकता है? 2, 0. कौन सा भी ले सकते हो, यहाँ 1 रहेगा, 2 रहेगा, 2 ले लिया. तो मैंने 2 पॉइंट लिया C, 2, 0. इसका ये नहीं जस्ट लिखो 3x + 2y, 3. x की जगह पर 2 रखेंगे, 2y के जगह पर 0, कितना है? 6. ये आ रहा है इसका आंसर, 6 और ये 0. अब बोलो बच्चों, 6 बड़ा है क्या 0 बड़ा है? विच नंबर इज द ग्रेटर नंबर, 6 बड़ा है क्या 0 बड़ा है? 6, राइट. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये इनइक्वालिटी और ये इनइक्वालिटी डिफरेंट है क्या? सेम है. दोनों इनइक्वालिटी सेम है क्या? डिफरेंट है. दोनों इनइक्वालिटी सेम है क्या? डिफरेंट है बच्चों. सेम है, राइट. अगर सेम है, अरे डिफरेंट कहां दिखाई दे रहा है आदित्य? ये साइन देखो, ये साइन, ये साइन डिफरेंट कहां है अक्षय? ये साइन मैंने ऐसा ड्रॉ किया है और ये भी वैसा ही है ना, कहां डिफरेंट है? इनइक्वालिटी तो सेम है. इनइक्वालिटी कैसी है? सेम सेम है. तो इसका मतलब क्या होगा? जो सी पॉइंट है, सी 2, 0 लाय ऑन ग्राफ, ये पॉइंट ग्राफ पर है. अगर ये पॉइंट ग्राफ पर है तो इसका मतलब इस लाइन के ऊपर का पार्ट हमारा ग्राफ है. दिस इज आवर रिक्वायर्ड ग्राफ. बहुत ही सिंपल सी. देखो उस सवाल तुमने घर पे सॉल्व करना जरूरी है, नहीं तो समझ में आने में थोड़ा सा दिक्कत होता है. चलो आई क्या बात है समझ में? एक बार बोलो मुझे, आर यू गॉट इट? ये समझ में आया क्या? वो क्या दे? चलो और एक सवाल आते हैं, देखते हैं उसे कैसा है. -3, 1 < 0. अब बोलो बच्चों मुझे, आई एम आस्किंग टू यू वन क्वेश्चन.
ये जो लाइन है इस लाइन में कौन से पॉइंट से मैं डिवाइड करूं, बाय व्हिच नंबर आई शुड डिवाइड, 5x माइनस 3y इक्वल टू 10 सॉरी 0, कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं इसे बोलो, बाय व्हिच नंबर आई कैन डिवाइड बोथ द साइड्स, कौन से नंबर से डिवाइड होगा, नो डिवाइड, इससे हम डिवाइड किसी भी नंबर से नहीं कर सकते क्योंकि कोई नंबर ही नहीं है, अगर कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये लाइन किस में से पास होगा, नो डिवीजन राइट, तो ये नंबर कौन से पॉइंट में से, ये लाइन कौन से पॉइंट में से पास होती है, जिस लाइन में x और, हाँ वो तो समझ में आएगा काजल, x और y नहीं है यहाँ पर, x और y नहीं है तो ये लाइन कौन से पॉइंट में से डिवाइड होगी, सॉरी कौन से पॉइंट में से जाएगी, शायद मैं बोलते हुए अलग बोल गए, तो दिस लाइन इज पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, सिर्फ इसमें एक्स और वाई है, हम लिखेंगे दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ये लाइन ओरिजिन में से पास होती है, तो अगर ये लाइन ओरिजिन में से पास होती है तो सुनो बच्चों क्या है, 0,0 लाइन ऑन लाइन, अब दूसरा पॉइंट कैसे निकालेंगे, 5x इक्वल टू 3y, ये 3 इधर ले लो, अब पुट करेंगे हम x इक्वल टू 3, पुट किया तो y कितना मिलेगा बच्चों मुझे 5, तो p पॉइंट मिला मुझे 3,5, दो पॉइंट मिल गए, एक ओरिजिन मिल गया और एक p, ओरिजिन यहां पर होगा, ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाइज होगा बोलो, 5, 3, 5 इन विच क्वाड्रेंट लाइज, कौन से क्वाड्रेंट में लाइज है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इससे आप सही कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें बच्चों, राइट तो एक पॉइंट मुझे यहां पर मिला ओरिजिन, वो 3,5 यहां पर 3 होगा, यहां पर 3,5 यहां पर है, ये हो गया हमारा, अब इसका ऊपर का पॉइंट एच वन हो गया, नीचे का पॉइंट एच वन, तो यहाँ का पॉइंट समझो मान लेते हैं हम 2,0, कौन सा तो भी पॉइंट होगा वहां पर 2,0, अब ये पॉइंट इस ग्राफ पर है के लिए देखेंगे, इससे बोलेंगे सी 2,0, कैसे चेक करेंगे देखो, 5x माइनस 3y, x के जगह पर 2 रख दिया तो 2, 5, 8 0 आ जाएगा, 8 यह आंसर आया 10 और ये कितना है 0, बच्चों 10 बड़ा है क्या 0 बड़ा है, 10 नंबर बड़ा है क्या 0 बड़ा है, 10 बड़ा है, अब मेरा सवाल ये है ये इनइक्वालिटी सेम है क्या डिफरेंट है, इनइक्वालिटी सेम है क्या डिफरेंट है, दिस इनइक्वालिटी इज सेम और डिफरेंट, डिफरेंट है भाई, डिफरेंट है, वेरी गुड, ये इनइक्वालिटी कैसी है, डिफरेंट है, अगर ये इनइक्वालिटी डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या होता है, जो सी पॉइंट है वो ग्राफ पर नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे, सी 2,0 डज नॉट लाई ऑन ग्राफ, एक ग्राफ पर नहीं है, तो मुझे बोलो ग्राफ h1 में होगा क्या h2 में होगा, ग्राफ कहां पर होगा, h1 में होगा कि h2 में होगा, ग्राफ h1 में होगा क्या h2 में होगा, अरे कैसे होगा अगर ये पॉइंट हमारा ग्राफ में नहीं है आदित्य, हाँ h1 में होगा साक्षी, यू आर राइट, देखो भाई आदित्य सुनो, ये 2,0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये पार्ट में नहीं आएगा, ये ऊपर के पार्ट में जाएगा, ये होगा हमारा ग्राफ, दिस इज माय रिक्वायर्ड ग्राफ,
तो देखो बच्चों, ये चैप्टर में बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन इसे थोड़ा बहुत सॉल्व करना जरूरी है। तो मैं कल और कुछ थोड़े से बेसिक प्रॉब्लम लूंगा, लेकिन कल के बाद मैं और बेसिक नहीं पढ़ाऊंगा, 2 ही दिन बेसिक पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, तो कल फिर मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय। बाय काजल। ओके, बाय आदित्य।